हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको कभी भी किसी भी टाइप का इनडायरेक्ट डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो आइए देखते हैं होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा एक टाइप का सीक्वेंस होता है जिसमें कि हमारा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर और सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच में और सो ऑन, उनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है। लाइक कोई एक हमारे पास सपोज हमारी लाइक आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4। अब आप देख रहे हैं इसके बीच में 1 का डिफरेंस है, 1, 1। तो ये भी एक टाइप का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लाइक आप कह सकते हैं 2, 5, 8, 11। अब आप देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो डिफरेंस मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसमें हमारी बेसिक दो नोटेशंस है कुछ, आइए वो डिस्कस करते हैं। इसमें हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है, फर्स्ट टर्म, उसे हम ए से डिनोट करते हैं, और एक हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, उसे हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, तो हमारी फर्स्ट टर्म ए है और हमारा कॉमन डिफरेंस डी है, तो हमारा सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म मेरा होगा ए प्लस डी, क्योंकि हमने देखा है फर्स्ट सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम D कहते हैं, जो कि कॉमन डिफरेंस है। तो मेरा थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म ऑब्वियस ही बात है मेरा, इसमें मैं D प्लस कर दूंगा, मींस ये 2D प्लस A, ये मेरा बन जाएगा। अब देखिए अगर मैं थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म को माइनस करता हूं तो मेरा कॉमन डिफरेंस D आता है। लाइक सेकेंड और अगर फर्स्ट को मैं माइनस करता हूं तो मेरा डी आता है। तो ये मेरी जो टर्म है, जो सीरीज है, वो मेरी कुछ इस तरीके से बनेगी, सो ऑन। तो ये तो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं किस तरीके से डिफाइन करता हूं या डिनोट करता हूं, ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसे मैं एक एन टर्म तक ले जा सकता हूं, एन टर्म तक ले जा सकता हूं, ये मेरी एन टर्म है। और एक चीज और, लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म, ये मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे शेयर करा था डेफिनेशन में कि एक्चुअली हमारा होता क्या है। आइए मैं आपको थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करता हूं, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में सपोज मेरे पास, मेरे को ये बताना है कि मेरे को ये एक टर्म दे रखी है, ये मेरे को फाइनल लास्ट टर्म दे रखी है, या कोई मेरे को एक सीक्वेंस दे रखा है इस फॉर्म में, तो मेरे को ये बताना है कि ये जो है ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो मैं चेक कैसे करूंगा? लाइक ये मेरा एन है, तो मैं यहां पर भी मेरा एन है, तो मैं फर्स्टली n की वैल्यू 1 डालूंगा, तो a1 जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 1 + 1 = 3। लाइक a1 मैंने निकाल लिया है, अब मैं a2 के लिए क्या करूंगा? 2 × 2² + 1 = 2 × 4 + 1 = 9। अब मैं a3 निकालूंगा, a3 चेक करूंगा, 2 × 3² + 1 = 2 × 9 + 1 = 19। अब मैं एक और टर्म चेक कर सकता हूं कैसे, अब इसे मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा, आइए देखते हैं। फर्स्ट मेथड तो यही है, 2 × 4² + 1 means 2 × 16
प्लस वन विच इज इक्वल टू 33। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है, इन दोनों के बीच का जो है वो 10 है, इन दोनों के बीच का जो है वो 14 है। मीन्स जो मेरा कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, तो ये मेरा एपी नहीं है। ये जो मेरा सीक्वेंस है इसे मैं एपी नहीं बोलूंगा। मीन्स ये जो है ये एपी नहीं है। अब मैं इसे एक और तरीके से सॉल्व करूंगा, लाइक जैसे ये तो एक मेरा सिंपल मेथड हो गया है, जिसे इन केस अगर आपको कोई फॉर्मूला याद ना हो तो आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। अब मेरे पास था ए एन की वैल्यू, मेरे पास थी 2n² + 1। ओके, अब जैसे मैं यहां पे n को रिप्लेस कर दूंगा n+1 से, तो मेरा ए n+1 क्या हो जाएगा, 2 × n+1² + 1। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2n² + 1 + 2n+1। अब ये मेरा हो जाएगा 2n² + 2 + 2n+1, मीन्स 2n² + 2n+3। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आगे वाली टर्म को पिछली टर्म से माइनस कर दूं तो मेरा डी आ जाता है। मीन्स जो मेरा कॉमन डिफरेंस है अगर उसमें मेरा एन नहीं आता है, एन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक कॉमन वैल्यू आ जाती है, कोई एक विदाउट जो रिलेशन है वो विदाउट एन आ जाता है, तो मेरा ये एपी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 2n² + 2n+3 - 2n² - 1। it's 4n। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मेरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाली वैल्यू मेरी 4n + 2 हो जाएगी। मीन्स यहां पे मेरा n आ रहा है, ये वाली वैल्यू n पे हमेशा डिपेंड करेगी। मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है मेरा n अगर 1 होगा तो कुछ और होगा, 2 होगा मीन्स फर्स्ट टर्म पे कुछ और होगा, सेकेंड टर्म पे कुछ, सेकेंड और थर्ड के केस में कुछ और होगा, तो ऐसे चेंज होता रहेगा मेरा कॉमन डिफरेंस। मीन्स ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये तो हमारा जैसे बेसिक है, मैं आपको जो चीज बताई है ये मेरा बेसिक हो गया है कि मैं कैसे क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकता हूं। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज मेनली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज। लाइक मेरे को फर्स्ट टर्म ए दे रखा है 10 और मेरे को कॉमन डिफरेंस जो है डी वो दे रखा है 3। तो अब मेरे पास ए तो मेरा 10 है, सेकेंड हो जाएगा मेरा ए प्लस डी। अब मेरे को इसमें एपी फॉर्म करना है, एपी मीन्स सीक्वेंस निकालनी है, तो मैं सीक्वेंस कैसे निकालूंगा, ए प्लस डी हो जाएगा मीन्स 10 + 3 = 13। ये तो मेरा सेकेंड टर्म है, सेकेंड थर्ड वन इज ए प्लस 2d मीन्स 10 + 3 × 2 विच इज इक्वल टू 16। फोर्थ वन इज ए प्लस 3d मीन्स 3 × 3 = 19। ओके, लाइक मेरे पास D3 है। अब आप देखिए यहां पे मेरा एपी फॉर्म जो होगा वो होगा 10, 13, 16, 19, so on। अब देखिए कैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है। कॉमन डिफरेंस मेरा हमेशा सेम रहेगा, तो ये मेनली जो चीज होती है वो एपी को डिनोट करती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को।
ये तो बेसिक्स है, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हम एपी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, ऐसी एक और लेते हैं, उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा कि क्या एक्चुअली है। लाइक मेरे पास ए एन दे रखा है ये, अब मुझे बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो मैं एन को इस बार ए एन माइनस वन से रिप्लेस कर देता हूं। ए एन को मीन्स जो मेरा एन है, एन को मैं चेंज कर देता हूं, एन को रिप्लेस कर देता हूं एन माइनस वन से। तो जो मेरा ए एन था, ए एन माइनस वन हो जाएगा अब 5n-1-7, विच इज इक्वल टू 5n-5-7, 5n-12। अब जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट टर्म और माइनस कर दें प्रीवियस टर्म को तो मेरा डी आ जाता है। इसमें हम डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन में हमारे डी भी पूछ सकता है कि क्या है। अब देखिए यहां पे मेरा ए एन था 5n-7, और अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 5n-12, तो ये तो मेरा हो जाएगा 5n-7-5n+12, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ रहा है 5। तो मीन जो मेरा डिफरेंस है वो मेरा किसी एन पे डिनोट नहीं, एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जो भी मेरा रिलेशन होगा उसमें हमेशा मेरा डिफरेंस जो होगा वो 5 होगा। लाइक देखते हैं, अगर मैं ए वन लेता हूं तो ये हो जाएगा 5-7 इक्वल्स टू -2। ए टू लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 10-7 विच इज इक्वल टू 3। ए थ्री लेता हूं तो हो जाएगा 15-7 विच इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहां इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस, तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए एपी के लिए। तो ये तो मेरा एपी का बेसिक्स है। इस वीडियो में हमने बेसिक सीखा, बट इज मेनली बेसिक एपी इज, हमें कंसेप्ट का पता चला। आगे हम और भी चीजें सीखेंगे, हम अपने अगले लेक्चर में थोड़ा एडवांस न्यूमेरिकल देखेंगे और इससे रिलेटेड और भी आगे क्या क्या चीजें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो फॉर मोर वीडियोस गाइस, अगेन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर भी कीजिए।